मेरी जिंदगी नरक बनाती। उसके पास से ना गोबर की ना अजीब सी बदबू आती है। अबे पागल, कॉम्बिनेशन कंपैरिजन बोलते। ओ चिचा, समाज सेवा करना है ना, किधर और जाके करो, इधर मत करो। कल्पेश को दो रैफट मारा मैंने कस कस के, उसने सीधा चाबी मेरे हाथ पे डाल दी। नहीं बेटा, जब से इनके पति स्टैंड बसे हमारा कोई नहीं। अबे चल बे चूतिये, निकल इधर से। अब हमारे घर पर आ रहे, क्या बात है। ये घर मेरा, घर का सामान मेरा, तू भी मेरा। दोड़े दोड़ा, दोड़े। मैं इंस्पेक्टर अशरफ अली, चल तुझे ससुराल लेके जाने आया हूँ। वो बहू नहीं थी। तो इसका भी इलाज है मेरे पास। क्या बात है भाभी, कोई औकात नहीं है, तू एक गली का कुत्ता है। कुत्ता है। अबे तू कहाँ और मेरी बेटी कहाँ? बंटी जी, अब हम चलते हैं, हमें बहुत चढ़ गई है, हम चलते हैं घर पर। अरे पुष्पा जी, अभी खत्म तो करो। मैं आपको एक बात बताता हूं जो हमने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप हमारे मित्र हो। हम जब पैदा हुए ना, तो हमारी अम्मा ने हमारा नाम पुष्पा रख दिया। सारे लोग हमें लेडीज बोलते हैं, और हमें कॉन्स्टिपेशन की बीमारी भी थी। सबसे बढ़कर हमें भूलने की बीमारी थी, गरीबी अलग। हमने आज तक अपने दिल में किसी को आने नहीं दिया। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हमें बीमारी बहुत थी ना, इसलिए। लेकिन जब पहली बार हमने मुस्कान जी को देखा, तो हमें देखते ही प्यार हो गया। उनका झूमता हुआ आना, उनके चेहरे की मुस्कान, पहली बार हमें महसूस हुआ जो कभी नहीं हुआ। मुस्कान जी हमारी मर्ज की दवा है। अब हम भूलते नहीं है, और ना ही हमारे नाम से हमको एतराज है। हम सवरना चाहते हैं। अब हम अपनी जिंदगी में कहीं तो फिर से लौटेगा तो नहीं हमारी जिंदगी में? मैं लौट भी सकता हूं अगर मुस्कान जी के साथ गलत किया तो। अरे हम आप दोनों को ना अपने आप से छुटकारा दिलाता हूं, आप डरिए मत बंटी जी। थोड़ी सी और मिलेगी बंटी जी। अरे हाँ, क्यों नहीं। अच्छा बंटी जी, अब हम चलते हैं, हमें सब्जी लेना है, दवाई लेना है,
है, देखा बंटी जी, हमें भूलना नहीं आता, अभी अब सब याद रहता हमें। हम चलते हैं बंटी जी, हमारी अम्मा हमारा इंतजार कर रही होगी। पुष्पा जी, अपन पहली बार किसी को सॉरी बोल रहा है, सॉरी सॉरी। अरे इट्स ओके ओके। तू तो बहुत संत आदमी निकला, मैं देखना चाह रहा था तेरे दिल में क्या है, लेकिन तू तो दिल से बहुत साफ निकला। क्या बात कर रहा है, मेरा दिल साफ है। लास्ट ऑप्शन था तुझे मार कर तेरे अंदर से सब उगलवाना, लेकिन मुस्कान को ये पसंद नहीं है, इसके लिए खुद को बदला और मैं तुझे पिलाने को लेके आया। हाँ, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बंडी जी अब हम चलते हैं, हमारी अम्मा हमारा इंतजार कर रही होगी, रात हो गई ना। चलते हैं बंटी जी। ओके पुष्पा जी। अरे मुस्कान जी, आप, मैंने एक ही बार लिया मुस्कान जी। बस हो गया पुष्पा जी, अभी आप कुछ मत कहना। अरे गुलाब जामुन मैंने उसे पिलाया, उसकी कोई गलती नहीं है। रुके, हिलना मत, वही खड़े रहिए। थोड़ी देर पहले आप क्या लेक्चर दे रहे थे, नशा मुक्ति केंद्र समथिंग, और अभी आप खुद नशे में हो। नहीं मुस्कान जी, हमने एक ही बार लिया, नशे के लिए लिया। हाँ सही बता रहे। हाँ मैं जानती हूँ, बंटी ने आपकी सच्चाई उगलवाने के लिए आपको पिलाई है। अरे सॉरी मुस्कान, मुझे माफ कर दे, अब मैं सुधर गया हूँ। देखा मुस्कान जी, बंटी जी सुधर गए, अब हम चलते हैं मुस्कान जी। हाँ ठीक है। इंसाफे की तूने भगवान, बहुत ना इंसाफे की। मुझे बचपन से लेकर आज तक दुख ही दुख दिखा, बीमारी दी मुझे, एक खुशी दी थी वो भी छीन ली तूने मुझसे। बहुत ना इंसाफी है भगवान, मैं मुस्कान से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वो जहां भी रहेगी ना खुश रहना चाहिए भगवान, खुश रहना चाहिए भगवान। बहुत अच्छी लड़की है, मैं बहुत प्यार करता हूं मुस्कान से भगवान। Ah
अरे कहाँ था निगोड़े रात भर से? हाँ, तूने कोई गलत आदत तो नहीं लगा दी ना? अरे नशा वशा तो नहीं करने लगा ना तू? अरे नहीं अम्मा, हम रात को अपने दोस्त के यहाँ रुक गए थे, वहीं सो गए थे। अम्मा एक कप चाय बना दो ना, हमारे सर में दर्द दे रहा है। मुस्कान जी, आप? हाँ मैं। और आप कहाँ थे रात भर? हाँ कहाँ आवारा गर्दी कर रहे थे आप? कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? घर में माँ है, बीवी है और आप? आपका तो ठिकाना ही नहीं है। और ये क्या हालत बना रखी है अपनी, देखिए तो। मुस्कान जी, आप यहाँ कैसे? आपको तो बंटी के पास होना चाहिए था। अरे वो आपका इंतजार कर रहा होगा, ढूंढ रहा होगा आपको। हम फोन लगाते, कभी कभी वो आपको सताया तो नहीं? अगर आपकी बार आपको सताएगा ना तो हम उसे छोड़िए नहीं। हाँ शांति रखिए पुष्पा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बंटी सब जानता है, हम उसे बताकर यहाँ आए हैं। और पुष्पा जी, सारे पुण्य का काम क्या आप ही करेंगे? थोड़ा हमारे लिए भी रहने दीजिए। आज से आपकी माँ हमारी माँ और आप हमारे परमेश्वर। मुस्कान जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पुष्पा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात जब आप और बंटी बात कर रहे थे और आपने अपने दिल की बात कही थी, तब मुझे एहसास हुआ कि पुष्पा जी आप बहुत ही भोले हो, मासूम हो। हमने तो आपको खून के आंसू रुलाए, लेकिन फिर भी आपने हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया। कल आपके जाते ही मैंने बंटी से बात की। बंटी 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 उठो। इधर बैठ मुस्कान, मुझे माफ कर दे यार, हम नई शुरुआत करेंगे। हाँ बंटी, हम अब नई शुरुआत करेंगे। वो झंडू संत आदमी निकला यार, उसने मेरे से वादा किया है कि वो फिर हमारे बीच में नहीं आएगा। शरीफ लोग ऐसे ही होते हैं। चल जाते हैं यहाँ से कहीं दूर, जहाँ सिर्फ तू और मैं रहेंगे। और पुष्पा जी? पुष्पा से क्या लेने देना है, उससे क्यों मिलना है? अगर हम मिलेंगे तो क्या दिक्कत है? वो उसे लड़की चाहिए, कहीं कुछ वो गलत ना कर दे। वैसे कुछ वो गलत करेगा नहीं, लेकिन मर्द बिना संबंध के इतने साल तक कैसे रह सकता है, तू तो समझ सकती है ना? मतलब हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे? कभी कभी मिल लेंगे। और वो बोल रहा था ना, उसके कोई दोस्त की फैक्ट्री है, वहां मैं काम पे लग जाऊंगा, सज्जन मानुष की तरह सुबह काम पे जाऊंगा, तू मेरा इंतजार करेगी, मैं शाम को तेरे लिए गजरा लेके आऊंगा। देख बंटी, अगर तू सुधर गया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अब मैं पुष्पा जी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। पहले हमने उनकी जिंदगी खराब कर दी है और अब उसकी माँ, उसकी तो अब कोई आस ही नहीं है। तू कहना क्या चाहती है? देख बंटी, मैंने बहुत सोचा और ये डिसाइड किया है कि मैं अब
पुष्पा जी के साथ रहूंगी। क्या बोल रही है तू? तू मजाक कर रही है ना? देख मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे मैं कहाँ और वो कहाँ? वो मेरा पति है बंटी, और अगर ऐसे इंसान को हम और ठेस पहुँचाएंगे तो भगवान के सामने क्या बुद्धि खाएंगे। तू मेरी जिंदगी मत खराब कर। तू नहीं बोला था ना कि मुझे एडवेंचर चाहिए? तू कैसा कर रही है मुस्कान? देख बंटी, तू मेरी जिंदगी में कितने टाइम से, वो तो अभी अभी मिला है मुझे। लेकिन तू बता, जोड़िया तो ऊपर वाला बनाता है ना, और तू, तुझे तो कोई भी मिल जाएगी, मुझसे अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अब मैं पुष्पा जी को और अंधेरे में नहीं जाने दे सकती, और गलत मैं नहीं कर सकती। और बंटी, तू हमेशा मेरे करीब रहेगा, हमेशा तेरी इज्जत करूंगी। लेकिन अब मैं पुष्पा जी को नहीं छोड़ सकती, और प्लीज मेरे जाने के बाद तू फिर से नशा मत शुरू कर देना, तुझे मेरी कसम। तू क्या बोल रही है मुस्कान? तुझे पता है तू क्या बोल रही है? अगर तूने अपनी कसम मुझे नहीं दी होती ना, तो यहीं पे तेरी जान ले लेता मैं। निकल जा यहाँ से। मुस्कान जी, हम आपको बहुत चाहते हैं। अगर आज आप हमें नहीं मिलते ना, तो हम मर जाते मुस्कान जी। नहीं पुष्पा जी, मैं तो आप ही की हूँ और हमेशा आप ही की रहूंगी, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती होगी अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। शर्म नहीं आती? बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ सामने। माँ जी, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, घर के सारे काम संभाल लूंगी। ए पुष्पा, ए पुष्पा, अरे तू कहाँ जा रहा है बे? ये देख, ये हमारे दोस्त है गुड्डू। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अबे वो छोड़, ये देख। ए यहाँ खड़े रहे, इसे ना मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, ये तेरा बाबा नप्पू से ना। अरे गुड्डू, आज आप बहुत खुश है, बाबा क्यों लेकर आए यहाँ पर? बाबा जी आप जाइए घर पे, जाइए। पुष्पा, जब तू यहाँ नहीं था ना, ये जो तेरी अम्मा है ना, अम्मा मुझे ढूंढने के लिए मुझे बाहर भेजा था, जब मैं वापस आया ना, तो हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए थे ये बाबा के साथ। अरे क्या घटिया बात कर रहा, होश में तू? पुष्पा मैं बताती हूँ, तू इन्हीं की औलाद है। अम्मा क्या बकरी हो? दरअसल मैं इन्हीं को अपना पति बनाना चाहती थी, मगर तेरे पापा ने मुझसे शादी कर ली और मैं अपने पापा को मना नहीं कर पाई। तब तक बेटा तू मेरी कोख में आ चुका था। सुहाग रात के दिन जब तेरे पापा को ये बात पता चली, तो वो स्वर्ग से धार गए। मैं उन्हें पहले से ही सब कुछ बताना चाहती थी, मैं तो इन्हें छोड़ने के लिए भी तैयार थी, मगर मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर बाबा नपुस दोबारा मेरी जिंदगी में आए, लेकिन मैंने इनसे शादी नहीं की, सिर्फ तेरे लिए। अम्मा, एक तो हमारी जिंदगी इस संघर्ष से गुजर रही, और आप अभी बुढ़ापे में ये सब चल रहे। नहीं बेटुआ, जब से इनके पति चल बसे, हमारा कोई ऐसा संबंध नहीं। We are just friends. अच्छा, तो पुष्पा इनकी औलाद है का? इन्हीं में से निकले हैं। हाँ बिटुआ, तुम हमारी औलाद हो। देख लिया मुस्कान जी हमारी फैमिली को? एक और डिप्रेशन, ऐसी जिंदगी है हमारी। अब बताइए आप, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आप तो अच्छे परिवार से हो, ये सुनकर
क्या भी आप मेरे साथ रहना पसंद करोगे? पुष्पा जी, गलतियां तो इंसान से होती है ना, और दो प्यार करने वालों को मिलाना तो पुण्य का काम है। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। अच्छा मुस्कान जी, अब आप भी मिल गए इन लोगों के साथ। अरे बेटुआ, तुम हमारे बच्चे हो। मैं इंस्पेक्टर अशरफ अली, चल तुझे ससुराल लेके जाने आया हूँ। सर, मेरा दिमाग बहुत खराब है, कुछ अनहोनी होने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। बेटा, बारात लेके आया हूँ, दुल्हन तो लेके जाऊंगा ही ना। सबूत और गवाह है तुम्हारे पास? सबूत भी है और गवाह भी है, और वो दोनों मैं हूँ। याद है ना, उस दिन मेरे गिरबान पे हाथ डाला था, मुझे अच्छा नहीं लगा था। अब इधरीज बाहर और तू अंदर, लेके जा इसको। चल तेरी चर्बी निकाल दो। आपने मेरी जिंदगी नरक बना दी। पास से ना गोबर की ना अजीब सी बदबू आती है। अबे पागल, कॉम्बिनेशन नहीं, कंपैरिजन बोलते। ओ चचा, समाज सेवा करना है ना, किधर और जाके करो, इधर मत करो। कल्पेश को दो रैफट मारा मैंने कस कस के, उसने सीधा चाबी मेरे हाथ पे डाल दी। नहीं बेटा, जब से इनके पति चल बसे हमारा कोई नहीं। अबे चल बे चूतिया, निकल इधर से। अब हमारे घर पधारे, क्या बात है। टीमो लुटेरी लूट गई मैं। भूत भी है और गवाह भी है। अबे चल बे चूतिया, निकल इधर से। ये घर मेरा, घर का सामान मेरा, तू भी मेरा। दौड़े दौड़ा दौड़े। मैं इंस्पेक्टर अशरफ अली, चल तुझे ससुराल लेके जाने आया हूँ। का भी इलाज है मेरे पास।